जो अभी टाइम हो गया है वो 7:30 बजने वाले हैं। बच्चे वगैरह सब स्कूल जा चुके हैं, उनका लंच वगैरह पैक करके दे दिया है। अभी मैं बाहर का ये आउटडोर साफ़ करूँगी। पशुओं को नहला दिया है, कपड़े सारे वॉश हो चुके हैं, आधे ऊपर सुखा दिए, आधे यहाँ पर सुखा दिए। तो फटाफट से ये करती हूँ। मेरा और जिया जी का लंच बच गया है, हस्बैंड का भी पैक कर दिया है, तो मैं ये धो देती हूँ। और कपड़ों का लास्ट चक्कर चल रहा है, उसके बाद पोछे वॉश करूँगी। तो ये टॉवल वगैरह रख गए थे और बच्चों ने अभी निकाले थे, वो सारे कपड़े आज वॉश हो जाएंगे। तो दीदी की तबीयत ख़राब हो रही थी और देख सकते हैं ये धो देती हूँ। कल बारिश हुई थी तो सारे धूल मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो गई थी, मैंने सारा धो दिया था घर और उसके बाद पोछा लगाया था। तो आज इधर से पोछा लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस ये करके यहाँ पर लगाऊंगी और वहाँ तक लगाऊंगी आंगन में, क्योंकि मेरा भी इतना ज़्यादा करने से काम बहुत ज़्यादा बैक पेन हो जाता है। बिल्कुल पशुओं का ये गिल्ला है तो इसमें भी कोई झाड़ू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार फावड़ा लगा देंगे साफ़ हो जाएगा। और ठंड हो रही है आज बहुत ज़्यादा वाली। आउटडोर साफ़ करने के बाद सारे कपड़े वॉश हो चुके थे, मशीन को इधर लेकर आ गई थी। ये कपड़े जो बचे हैं वो सुखा के आने हैं, उसके बाद मैं मशीन वगैरह साफ़ करके खड़ा कर दूंगी। हस्बैंड भी अभी ड्यूटी पर निकल चुके थे और अभी मैं कपड़े वगैरह सुखाने के बाद अंदर का झाड़ू पोछा करना बाकी रह गया, बर्तन वगैरह फिर पशुओं को अंदर बांधूंगी। तो अकेले रह जाते हैं सब जाने के बाद, तो इस तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और नवरात्रों की पूजा वगैरह भी करनी है। ये व्लॉग मेरे काफ़ी दिन पहले के हैं। फिलहाल हमारे घर में रंग पेंट चल रहा है, जिसकी वजह से एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इस वजह से 6-6, 7-7 दिन लग जाते हैं वीडियो। कभी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तब एडिटिंग करके डाल देती हूँ, तो सॉरी फॉर इट। अभी रेगुलर वीडियो आएंगी दीपावली के बाद, क्योंकि दीपावली तो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। 5-6 तारीख तक तो हमारा रंग पेंट होगा घर का, उसके बाद साफ़ सफ़ाई दोबारा से करनी पड़ेगी। एक बार कर दी है, अंदर का हो चुका है, तो सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको ज़रूर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी न्यू व्यूवर्स हैं। और कल बारिश आई थी ना, तो इतना मतलब सारी धूल मिट्टी छत की थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, जितने भी आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब सुंदर सुंदर घर लग रहा है। इतनी सारी धूल मिट्टी आती थी बहुत ही ज़्यादा वाली। आज मशीन को साफ़ करके खड़ा कर दिया है ढककर, और ये कपड़े हैं ऊपर सुखा के आऊँ, क्योंकि नीचे का तो तार भरा हुआ है, ऊपर कपड़े सूखे हुए हैं तो उतार के तो लेकर आने ही पड़ेंगे, तो इस वजह से ऊपर जा रही हूँ। से कल बारिश आई थी तो सारे गिल्ले हो गए, और ये छोटी सी बिटून लगाई है, ख़त्म होने वाले हैं जैसे। और देखो चारों तरफ धुंध है ना, ओस भरी हुई है खेतों में। वो डलवाया है ढांचा, टीन के ऊपर डालेंगे, क्योंकि टीन पसीजे ना, पशुओं को ठंडे में ठंड ना लगे और गर्मी में गर्मी ना लगे, इसलिए। तो यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस करने के लिए लेकर आ गई हूँ, और कल से हमारे प्रिंटर लग जाएंगे। अभी उनका फ़ोन आया था तो थोड़ी सी तसल्ली मिली है। तो गाइज कल से लग जाएंगे रंग पेंट वाले, तो तसल्ली मिली है। काम तो खैर थोड़ा बिखर जाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, सब ड्यूटी वाले होते हैं, मैं अकेली घर पर रहूँगी। सामान को बाहर निकालना अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बट दीपावली की सफाई अभी हो जाएगी, साथ साथ ये भी झंझट ख़त्म हो जाएगा हमारा, मतलब नवरात्रों में ही हो जाएगी, 5 या 6 दिन में कर देंगे सब बोल रहे थे हम। तो अभी मैं इनके कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी। सर दर्द हो रहा है बहुत तेज़ का, क्योंकि मैं फिर पूजा वगैरह लेट होती है मेरी, सारा काम करने के बाद 11, 11:30 बज जाते हैं। आज बोर्ड पे
पे सोजन आ गया, पता नहीं क्या हुआ, लिपस्टिक की वजह से। वैसे लिपस्टिक की वजह से तो नहीं आता है, शायद मच्छर खा गया, थोड़ी सी फुंसी हो रही है और पेट इतना मोटा होना स्टार्ट हो गया, फिर से डाइट करनी पड़ेगी। अभी घर की साफ सफाई करना इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता है रंग पेंट होगा तो फिर सारा घर ऐसा ही हो जाएगा। अभी मैं कॉटन का दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो दुपट्टा सर पे बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है मेरे, तो मैं कॉटन का ओढ़ूंगी। और मंगलसूत्र या चैन कलाई में नहीं डालते तो बिल्कुल सोना सोना गला लगता है भाई। बट मैं नहाती हूँ ना तभी डालती हूँ, रात को निकाल कर सो जाती हूँ। तो आ गई अपने देसी वाले लुक में भाई, इस तरह से चुन्नी, और मतलब मेरे को यही पसंद है, कॉटन का दुपट्टा। और ये मेरा सदाबहार दुपट्टा है, हर सूट के ऊपर पहन लेती हूँ, कितना महंगा सूट हो कितना सस्ता हो, मैं कॉटन के दुपट्टे के बिना तो मेरा कुछ नहीं हो पाता। क्योंकि भाई घर का सारा काम काज करते हैं ना, तो कॉटन का दुपट्टा पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो वो दुपट्टे बिल्कुल भी नहीं रुकते। कई सूटों के तो मेरे दुपट्टे यूं की यूं रखे। दस मिनट में क्या, 7 मिनट में नहाकर आ गई हूँ मैं। 11 बजे कपड़े उतार कर लेकर आई थी, और अभी जस्ट नहा ली हूँ। हेयर वॉश तो मैं फास्ट वाले दिन करती हूँ, तो थोड़ा सा अपना कर लेते हैं, हल्का फुल्का मेकअप, उसके बाद पूजा करेंगे। 20 मिनट में पूजा हो जाएगी, फिर खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। और जैसे भूख नहीं लगती अब फास्ट, मतलब जैसे पूरे दिन बस चाय चाय में ही रह लेती 2 दिन तक, मतलब अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, और ऐसे फील भी नहीं हो रहा, ना प्यास लगती है ना भूख। अगर खाना नहीं खाते हैं तो प्यास नहीं लगती। तो मैं फटाफट से थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ।
गाइज पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि जिया जी आ चुके थे, उनको चाय दे दी है, अभी वे फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद हाथ पैर धोएंगे और फिर खाना खाएंगे। मैं भी खाऊंगी, बस दोनों की ही बनानी है, सुबह बच्चों की और सबकी बना दी थी लंच। दोपहर में आकर बच्चे क्या बनाएंगे, पास्ता वगैरह या 5-7 जो रोटियां हैं एक्स्ट्रा सेक कर रख दूंगी, अभी उनके आने में 2 घंटे ही बाकी है, ज़्यादा तो देर नहीं है, तो बार बार मैं गर्म नहीं बनाती हूँ, बस मैं 2 बार ही बनाती हूँ, कई बार तो सुबह सुबह ही बना लेती हूँ, लेकिन अब फास्ट करती हूँ तो मैं हमारी दोपहर में बना लेती हूँ। खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, बस काम ही ख़त्म हुआ था, ये 1:15 बजे आ जाती है, देखो ये कैसे धूप में इधर उधर कह रही है मम्मी बाय मम्मी बाय। आज इतनी क्यूट लग रही थी इसकी, दो मतलब ये जो नोट वाले बनाए थे, इतनी प्यारी लग रही थी, बस अब इसके ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी। इस तरह से ही सुबह सुबह मेरा काम रहता है।